अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो इस पेल्टियर मॉड्यूल के एक मिनी छोटे एसी के बारे में है। तो आज हमने एक मिनी एसी का एक्सपेरिमेंट किया है कि आया काफ़ी सारे पेल्टियर लगा के और मैक्सिमम 4 या 5 रेडिएटर लगा के क्या ठंडी हवा बाहर आती है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग तजर्बा करते हैं, वो कहते हैं जी हमारा जो टेम्परेचर है 26 से नीचे नहीं आता। तो आज हमने इसका तजर्बा किया, इसके अंदर हमने 4 रेडिएटर लगाए हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, इसके बैक साइड पे 4 फ़ैन लगाए हैं जो कि हवा को ठंडी को बाहर निकालेंगे, पीछे से गर्म लेंगे आगे से ठंडी हवा निकालेंगे। उसके बाद इसके अंदर जो हमने है कम से कम 12 पेल्टियर लगाए हैं मुख्तलिफ, जिसमें 12715 भी है, 12710 भी है, 12706 भी है। तो जो सबसे ज़्यादा कूलिंग कर रहा था वो 715 था, उसके ऊपर बर्फ़ भी आई हुई थी, आप वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊँगा, तो उसके अंदर बर्फ़ भी आई हुई थी जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कूलिंग कर रहा था, क्योंकि 715, 710 और 706 से ज़्यादा कूलिंग करता है। तो उसका जो मैक्सिमम दोस्तों टेम्परेचर गया है वो 18-19-20 के दरमियान रहा है इसका टेम्परेचर। बाहर जो हमारा एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर था वो 34-35 या 36 था, इस तरह टेम्परेचर था हमारा बाहर का, क्योंकि मैंने 11-12 बजे इसको चेक किया था तो टेम्परेचर हमारा इतना। उसके बाद जब मैंने इसे ऑन किया है तो इसने कम से कम 20 से 25 मिनट इसने टाइम लिया है, तो ये 18-19-20 के दरमियान आ गया था इसका टेम्परेचर, और बेहतरीन तरीके से इसने कूलिंग की है। लेकिन एक इसके अंदर नुकसान ये हुआ है कि हमारा पानी बहुत ज़ाया हुआ है, तो इससे बचने के लिए हम इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर इसके साथ रेडिएटर अटैच करेंगे, जो कि कार वाला रेडिएटर होता है। आप चाहें तो इसके साथ कोई भी कार वाला रेडिएटर अटैच कर ले, तो जो पानी है आपका जो जाया हो रहा है वो रिसाइकल हो जाएगा। रेडिएटर बड़ा होना चाहिए और उसकी फ़ैन की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि जो गर्म पानी है वो जल्द से जल्द ठंडा हो और दोबारा वो रिसाइकल हो। तो इस तरह आप इसको दोबारा भी पानी को रिसाइकल कर सकते हैं। तो अभी जो एक्सपेरिमेंट किया है वो पानी ज़ाया करके हुआ है, तो अल्लाह का शुक्र है दोस्तों यह बड़ा एक्सपेरिमेंट भी कामयाब हो गया है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं रेडिएटर से भी बनाकर दिखाऊंगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर आपको पसंद आए इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों पेल्टियर से आज हम एक छोटा सा तजर्बा करने वाले हैं कि आया हम काफ़ी सारे रेडिएटर और काफ़ी सारे पेल्टियर लगा के क्या हम ठंडी हवा बना सकते हैं कि नहीं। तो उसके लिए हमें जिस जिस सामान की ज़रूरत है मैं बता देता हूँ। आप ये देख सकते हैं काफ़ी सारा सामान मेरे पास यहाँ पर पड़ा है, जिसके अंदर काफ़ी सारे फैंस हैं, रेडिएटर हैं, पंप हैं, उसके बाद जो है पेस्ट हैं, उसके बाद जो है टेम्परेचर मीटर है। आप ये देख सकते हैं मेरे पास ये टेम्परेचर मीटर है, इससे हम इसका टेम्परेचर देखेंगे। उसके बाद ये मेरे पास काफ़ी सारे फ़ैन हैं, जिसके ज़रिए जो है हम रेडिएटर पर रेडिएटर के ऊपर इसको लगाएंगे और हम अपनी जो हवा है उसको बाहर निकालेंगे। उसके बाद ये बात देख सकते हैं, ये है जी मेरे पास रेडिएटर, इस रेडिएटर को यूज़ करेंगे, कम से कम 5 है मेरे पास, इनमें 4 हम यूज़ करेंगे, चारों को आपस में जोड़ेंगे और देखेंगे कितनी ठंडी हवा बाहर आती है। तो ये है मेरे पास, उसके बाद इसके लिए जो है मेरे पास ये वाला पंप है, ये जो पंप है ये पानी के अंदर नहीं रखना पड़ता, हमें बाहर ही रखना पड़ता है, इसके इनर आउट है, ये यहाँ से ऑटोमेटिक पानी खींच लेगा और बाहर निकाल देगा। इससे हम जो है अभी ठंडी हवा बनाएंगे, यानी कि ठंडा जो पानी है इससे हम सारा ट्रांसफ़र करवाएंगे और गर्म पानी भी। और इसका एक और फ़ायदा दोस्तों ये है, अभी हम जो है इस पूरे सेटअप के अंदर जो है रेडिएटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो कि इसकी हॉट साइड पे यूज़ होना है, क्योंकि अभी हम इसके अंदर जो चेक करने वाले हैं वो बग़ैर रेडिएटर के है, यानी कि बग़ैर रेडिएटर से मुराद के हम डायरेक्ट पानी देंगे इसके हॉट साइड पर और उसको ज़ाया करेंगे। फ़िलहाल अगर हमारे ज़ाया पानी करके भी अगर हमारी कूलिंग जो है सही बन जाती है, फिर हम इसके अंदर अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको रेडिएटर फिट करके दिखाऊंगा, बड़ा जो कार वाला रेडिएटर होता है, उससे यह है कि हमारा जो पानी है वो ज़ाया नहीं होगा, रिसाइकल होने लग जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर अभी हम सिर्फ इतना ही करेंगे कि अब हम अपने जो है मुकम्मल सेटअप को तैयार करते हैं, तो उसके ऊपर जो है हम बग़ैर रेडिएटर के इसको यूज़ करेंगे। रेडिएटर हम छोटे यूज़ करेंगे, सिर्फ ठंडी साइड पर, हॉट साइड पे यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद जो पेल्टियर हैं आप देख सकते हैं, ये काफ़ी सारे मेरे पास पेल्टियर्स हैं, इन पेल्टियर्स में से जो है कौन सा अच्छा हमें पेल्टियर सूटेबल होगा वो यूज़ कर लेंगे। उसके बाद मेरे पास ये काफ़ी सारे वाटर ब्लॉक हैं, ये आप देख सकते हैं, इन वाटर ब्लॉक्स को भी यूज़ कर लेंगे। इनके अंदर जो है मेरे पास ये 2 वाले वाटर ब्लॉक हैं, उसके बाद जो है 3 पेल्टियर वाले वाटर ब्लॉक हैं, उसके बाद 1 पेल्टियर वाला भी है, उसके बाद जो 4 और 5 वाले हैं वो मेरे पास नहीं है, वो ख़त्म है। तो इनमें से हम यही वाटर ब्लॉक जो है यूज़ करेंगे। उसके बाद जो थर्मल पेस्ट है आप ये देख सकते हैं, ये थर्मल पेस्ट है आम जो आपको कंप्यूटर शॉप से मिल जाएगी, इसको हम यूज़ करेंगे इसके ऊपर। तो दोस्तों ये है मेरे पास काफ़ी सारा सामान, तो इस सामान से हम बनाते हैं, तो बनाना शुरू करते हैं। तो लीजिए जी, इसकी बॉडी तैयार करने के लिए मैं इसको
जो है प्लाईवुड शीट का इस्तेमाल करूँगा, उसके ऊपर हमने रेडिएटर लगाने हैं। तो ये है मेरे पास रेडिएटर्स, इनको निकाल लेते हैं। तो लीजिए जी, ये आ चुके हैं हमारे पास 5 रेडिएटर। इनमें हमने जो है इसको 4 यूज़ करेंगे या 5 भी यूज़ कर सकते हैं। इसके जो हमने बॉडी तैयार करनी है उस तरह तैयार करनी है कि इसके फ्रंट वाली साइड पे हमारे जो हैं चारों के चारों जो रेडिएटर हैं वो लग जाएं। तो अभी आप देख सकते हैं इस तरह हमने इसके साथ कनेक्ट करना है। तो अब मैं इसको जो बनाना शुरू कर देता हूँ। तो लीजिए जी, बात देख सकते हैं हमने जो है इसको अच्छी तरह यहाँ से सिलिकॉन से जोड़ लिया है, जो कि ग्लू गन है हॉट करके इसको अच्छी तरह जुड़ चुका है। उसके बाद जब तक ये सूखता है, सूखने के बाद अब हम इसकी जो है सूखने के बाद जो हम इसकी मुकम्मल बॉडी तैयार करेंगे। उसके बाद जो है हमने इसको जोड़ना भी है, इसको जो जोड़ना है डायरेक्ट कॉपर पाइप से जोड़ेंगे। हमने इसके अंदर जो है वो इस्तेमाल नहीं करना, गैस वाला पाइप कॉपर पाइप से इसकी वायरिंग करेंगे। उसके बाद जो है हम इसके अंदर जो है पेल्टियर मॉड्यूल फिटिंग करेंगे, जो कि वाटर ब्लॉक से करेंगे अलहदा। तो लीजिए जी, बात देख सकते हैं ये बेहतरीन तरीके से सूख चुका है, ये हमारी फ्रंट साइड आ चुकी है। उसके बाद जो ये है ये हमारी बैक साइड आ चुकी है, जिसके ऊपर हमने इसको मुकम्मल फिट करना है। तो अब हम इसकी जो है बॉडी बनाना शुरू करते हैं। Oh.
ये जी बात देख सकते हैं, हमने जो है चार सेट तैयार कर लिए हैं। तीन सेट के अंदर तीन पेंटियाँ लगे हुए हैं, एक के अंदर 1215 हैं, एक के अंदर 1210 है, ऊपर वाले के अंदर 1206। तो यानी कि हमने जो है एक या दो 1210 कर रहे हैं, 1206 भी, तो चारों सेट हम लोग इसी कंडीशनर के साथ ही फिटिंग करनी है। तो हमने जी, अब हमने काफ़ी सारी फिटिंग कर ली। अब वायरिंग का सिलसिला रह गया, सिर्फ वायरिंग के लिए मैं ये तार यूज़ कर रहा हूँ कॉपर में। तो इसके साथ मैं सारी जो वायर्स हैं
पेल्टियर की वो और पंप की इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। लीजिए जी, आप देख सकते हैं मुकम्मल जो है रेडी हो चुका है पेल्टियर वाला छोटा मिनी एयर कंडीशनर। तो पंप लगा दिया है, ये जो पंप है इसका फ़ायदा ये है, ये जो हमारा गर्म पानी होगा वाटर प्लग से वो बाहर निकालेगा, ये जो पंप है ये ठंडे को सर्कुलेट कराएगा। इसके अंदर जो है मैंने कोई भी एक्स्ट्रा कोई कंटेनर नहीं रखा सर्कुलेशन के लिए, सिर्फ अंदर ही इसके अंदर टोटल पानी भरा हुआ है जो अंदर सर्कुलेशन होती रहेगी। तो एक जो पाइप है ये खाली छोड़ा हुआ है, ये अंदर आप देख सकते हैं, इससे जो है जो पानी है वो बाहर आ जाएगा। तो ये अब हमारा मुकम्मल हो चुका है। फ्रंट पे आप देख सकते हैं, फ्रंट पे आपको दिखाता हूँ, फ्रंट पे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मीटर है जो हमारा टेम्परेचर बता रहा है अभी 33.3। ये हमारे रेडिएटर लगे हैं जहाँ से ठंडी हवा बाहर है, ये टेम्परेचर मीटर है जो कि हम यहाँ रख के चेक करेंगे कि आया इसका कितना टेम्परेचर है। तो चलिए अब इसको ले चलते हैं बाहर, वहाँ जाकर टेस्ट करते हैं। तो लीजिए जी, आप देख सकते हैं हमने इसको बाहर फिट कर लिया, अब हम इसे टेस्ट करेंगे। हमारा जो टेम्परेचर आप देख सकते हैं, टेम्परेचर जो आ रहा है 34 आ रहा है। फ़ैन वगैरह बंद पड़े हैं इसके, ये भी ऑन नहीं है। इसको पीछे से दिखाता हूँ मैं, पीछे से आप देख सकते हैं फ़ैन वगैरह बंद हैं। उसके बाद पंप की फिटिंग भी हो गई है सारी। उसके बाद जो हमारी वायर्स हैं इन दो सप्लाईज के अंदर जा रही है, दो सप्लाइयाँ ही इसका लोड उठाएंगी, क्योंकि मेरे पास एक सप्लाई नहीं थी इसलिए मैं दो सप्लाइयों पर चला रहा हूँ। तो अब इसको चलाते हैं और देखते हैं कितना ठंडी हवा ये बाहर निकालता है। तो लीजिए जी, आप देख सकते हैं हमारा जो है मुकम्मल जो एयर कंडीशन है चल चुका है। इसके जो पंप है बड़े वाला वो भी चल चुका है। ये थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा देख रहे हैं, ये बड़े पंप की है। आप इसी जगह कोई और भी पंप लगा सकते हैं। बाकी अगर मैं इसके आगे हाथ लगाऊं तो ठंडा होना शुरू हो गया है। तो ये टेम्परेचर मीटर दे सकते हैं, इसका अभी नॉर्मल टेम्परेचर है, मैं इसको इसके साथ लगा देता हूँ ताकि हमें इसका टेम्परेचर पता चलता रहे। तो अब वेट करते हैं कुछ देर, तब तक हम इसका वेट करते हैं जब तक इसका टेम्परेचर नहीं गिरता। लीजिए जी, टेम्परेचर आप देख सकते हैं अभी 29.2 पे आ चुका है। मैंने जो है इसके साथ जो टेम्परेचर मीटर अटैच किया वो साइड में ही अटैच किया है, इसके कोई और जगह पर अटैच नहीं किया। आप टेम्परेचर मीटर से देख सकते हैं इसका टेम्परेचर जो है नीचे आता जा रहा है, और जो हवा है अगर हवा देखी जाए हवा भी काफ़ी ठंडी हो गई है। तो मैं हाथ आगे रखता हूँ तो काफ़ी ठंडी हवा बाहर निकल रही है, अभी टेम्परेचर इसका और नीचे आ रहा है। तो लीजिए जी, आवाज़ देख सकते हैं इसका टेम्परेचर है 24.9 तक आ चुका है। बहुत सारे यूट्यूबर बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि इसका जो पेल्टियर बकवास चीज़ है, इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है 26 से नीचे नहीं जाता, मैक्सिमम 26 तक टेम्परेचर जाता है। जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, हीट सिंक लगा लो, जो मर्ज़ी कर लो। तो अभी तो मैंने इसके साथ रेडिएटर अटैच नहीं किया, अभी तो सिर्फ पानी को रिसाइकल नहीं कर रहे, अभी तो हम पानी को ज़ाया कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो टेम्परेचर है 26 से कितना नीचे आ चुका है, 24.2 इसका जो है टेम्परेचर आ चुका है। और अगर मैं इसके आगे हाथ रखता हूँ तो हवा देखते हैं, तो हवा भी काफ़ी ठंडी हवा निकल रही है। अब आपको इस तरह तो महसूस कराना बहुत मुश्किल है कि मैं हवा आपको कैसे महसूस कराऊं, इसलिए मैंने टेम्परेचर मीटर लगाया हुआ है। कोई इसके अंदर दो नंबर ही नहीं है कि टेम्परेचर मीटर मैंने कहीं और लगाया हो। पीछे से टेम्परेचर मीटर की ये वाइट तार ही अंदर से आ रही है, मैं आपको बैक साइड से भी दिखा दूँगा। उसके बाद आप देख सकते हैं इसका जो टेम्परेचर है मैक्सिमम नीचे आता जा रहा है। ये कम से कम 20 मिनट हुए हैं इसको चलते हुए को भी, तो 20 मिनट में आप देख सकते हैं 22.6 टेम्परेचर आ चुका है बाहर। तो बाहर धूप वगैरह भी निकली हुई है, बाहर का टेम्परेचर 34, 35, 36 है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि जो है मैं सुबह टाइम चेक कर रहा हूँ, कम से कम 12 बजे का टाइम हो गए हैं। तो जैसे दोपहर होगी और ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, तो इसको फिर भी आप रेस्ट करेंगे तो उसका टेम्परेचर मैक्सिमम चला जाएगा, जितना नीचे हो सके 20, 22, 18 तक भी चला जाएगा। तो बात देख सकते हैं 21 तक टेम्परेचर हमारा पहुँच चुका है, अभी हम इसको कुछ 10-15 मिनट और चलने देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मैं टेम्परेचर जो है 20-21 तक आ चुका है इसका मैक्सिमम टेम्परेचर। तो 20 तक इसका टेम्परेचर है, उसकी बैक साइड पे भी आपको दिखाता हूँ मैं किस तरह चल रहा है ये। तो ये देख सकते हैं हमने, मैंने यहाँ पर एक पानी का जो है टब सा रखा हुआ है, इधर से पानी आ रहा है इस पाइप से, इस पाइप से होता हुआ इस पम्प के अंदर जा रहा है, उसके बाद इस पम्प से होता हुआ इस पाइप से बाहर निकल रहा है। पानी जो है वो ज़ाया हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद आप वाटर ब्लॉक के ऊपर मैं आपको दिखाऊं, तो ये आप देख सकते हैं वाटर ब्लॉक के ऊपर कितनी ठंड आई हुई है। उसके बाद दूसरे जो वाटर ब्लॉक हैं वो उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा नमी आई हुई है, लेकिन इस वाले वाटर ब्लॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड आई हुई है। तो ये असल में लगा हुआ है 715, तो 715 यूज़ करने का यही फ़ायदा है कि वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होता, बहुत ज़्यादा कूलिंग करता है। तो आप ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कूलिंग कर रहा है। उसके बाद जो है हमारे चारों के चारों वाटर ब्लॉक है ये काम कर रहे हैं, बैक साइड से आप देख सकते हैं इस तरह है हमारा सेटअप। तो ये इस तरह अब हमारा जो पानी है यूज़ हो रहा है इसके अंदर, और
सारा जो पानी है इसके अंदर जा रहा है। तो अब इसका टेम्परेचर देख लेते हैं कितना आ चुका है। टेम्परेचर अब आप देख सकते हैं इसका जो टेम्परेचर आ चुका है वो 19.3 तक जो है इसका टेम्परेचर आ चुका है। और हवा जो है वो भी चेक कर लेते हैं हवा कितनी ठंडी आ रही है। कुछ लोग ये करते हैं हवा तेज़ इधर से निकालते हैं, हवा तेज़ होने की वजह से हवा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है इसलिए टेम्परेचर नीचे नहीं आता। हवा स्लो रखें, हवा का फ्लो जो है वो जो है इसका फ्लो या थ्रो जो है हवा की वो बहुत कम रखें, जितनी कम होगी उतनी ठंडी हवा बाहर आएगी। स्लो हवा ठंडी हवा बाहर आती रहेगी तो आपके कम जो टेम्परेचर है रूम का वो भी नीचे कर देगी, टेम्परेचर बहुत कम कर देगी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो हमारे एयर कंडीशन की, जो कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है पेल्टियर के ऊपर के लोग कहते हैं जी पेल्टियर से ठंडी हवा नहीं बनती। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा नमी आई हुई है, मैं आपको नज़दीक करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं इसके ऊपर आइए, आप देख सकते हैं ये पानी, ये इसके ऊपर नमी आई हुई है बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे एयर कंडीशन के ऊपर आ रही होती है ना वैसे ही। तो इसलिए ये जो है काफ़ी ठंडे हो चुके हैं रेडिएटर। तो टेम्परेचर आप देख सकते हैं इसका 19.9 तक आ चुका है इसका टेम्परेचर। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, एक एक्सपेरिमेंट था पेल्टियर मॉड्यूल से एयर कंडीशन का। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल माज़ इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह ही हमारी वीडियो दोस्तों देखते रहिएगा, इंशाल्लाह हम और भी एक्सपेरिमेंट करेंगे पेल्टियर के ऊपर। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।